ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए, मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था, सीबीआई ईडी का प्रयोग किया, मुंबई एयरपोर्ट दे दिया, एग्रीकल्चर में कानून बना दिए अदानी जी के लिए, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज उनके हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में, आप सड़कों पे चलते हो, सीमेंट उनके हाथ पे, उनके हाथ में, तो पूरा का पूरा देश ये तीन चार लोगों को पकड़ा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसा घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, एक पता नहीं आपने सुनी है या नहीं, एक पुरानी कहानी है। पहले टाइम, बहुत सालों पहले, हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे, पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था, और वो टेफ्लॉन जैसे थे, उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे, जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो एक बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गया, उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है, हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है, जितना हम इस पर आक्रमण करते हैं ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी मतलब नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है, इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है, इसकी जो आत्मा है ना वो उस तोते के अंदर है, उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है, तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी, मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है,
अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर वन प्राइम मिनिस्टर, नंबर टू अदानी, नंबर थ्री अमित शाह। एक्चुअली गलत है, नंबर वन अदानी, नंबर टू प्राइम मिनिस्टर, नंबर थ्री अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोहित्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए, मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था, सीबीआई ईडी का प्रयोग किया, मुंबई एयरपोर्ट दे दिया, एग्रीकल्चर में कानून बना दिए अदानी जी के लिए, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज उनके हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में, आप सड़कों पर चलते हो, सीमेंट उनके हाथ पे, उनके हाथ में, तो पूरा का पूरा देश ये तीन चार लोगों को पकड़ा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है। आपसे ये कहते हैं कि आप जाइए पढ़ाई कीजिए, आप जाइए आईएएस बनिए, आप जाइए इंजीनियर बनिए, आप में से 1% इंजीनियर बनेगा, 1% डॉक्टर बनेगा, 0.00001% आईएएस बनेगा। तो ये आपको झूठे भविष्य की का वायदा करते हैं, और जो आपका धन है, आपके आंखों के सामने आपसे छीन के ले जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए, मैं दे देता हूं आपको, उठा के ले लो।
अब आपके कोई सवाल हो तो पूछिए। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अच्छा नहीं, हिंदी में थोड़ा एक लाइन और। हिंदुस्तान की जो का जो भविष्य है उसके लिए सबसे जरूरी चीज न्याय है। अगर इस देश में, इस देश की जनता को, इस देश के युवाओं को न्याय ना मिले तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और मैंने बहुत बार बोला है और मैं बोलता रहूंगा और मैं हम ये काम करके दिखा देंगे कि कास्ट सेंसस के बिना इस देश के युवाओं को न्याय नहीं मिल सकता। और यह पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है, जब अदानी जी पैसा चोरी करते हैं किससे चोरी करते हैं? देश की आम युवा से चोरी करते हैं, पिछड़ों से चोरी करते हैं, दलितों से चोरी करते हैं, आदिवासियों से चोरी करते हैं। जब अदानी जी कोयले में ऑस्ट्रेलिया में जब नाव चलती है यहां आती है, जब वो ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं, तो अदानी जी किसकी जेब से चोरी कर रहे हैं पैसा? जो आप बिजली खरीदते हो उसमें अदानी टैक्स है, ट्रेन में आप जाते हो उसमें अदानी टैक्स है, फ्रेट घूमता है उस पर अदानी टैक्स है। टैक्स किससे, कहां से आ रहा है? पिछड़ों की जेब से, दलितों की जेब से, आदिवासियों की जेब से, गरीब लोगों की जेब से, छोटे व्यापारियों की जेब से, और पूरा का पूरा ट्रांसफर इनकी जेब में हो रहा है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।